हाय डियर माय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाला हो कुछ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करा जाता है इंडेक्स फंड में। जैसे हम लोग इंडेक्स फंड में कैसे ट्रेडिंग कर सकता है, जो स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। कुछ इसके लिए हमने पहले तो निफ्टी बैंक का बात करेंगे। ओनली स्विंग ट्रेडिंग करना है तो बैंक 20 में कर सकता है। जैसे आपको लगता है इंडेक्स में कहाँ जाएंगे, अभी ये इंडेक्स है राइट, ये निफ्टी 50 नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स है राइट। अभी ना हम लोग इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ना सेल तो कर नहीं सकता है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट काट करना है और तो कुछ नहीं है इसमें। डिलीट सेट, ठीक है। अभी देखो इसमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। सर स्विंग ट्रेडिंग में आपको सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाना, ठीक है। इंडेक्स में 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाना, इसका आगे कुछ टाइम फ्रेम आपको देखना नहीं है, 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाना। जरा मैं इसको काट के आता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए हैं। देखो काई पीछे स्विंग ट्रेडिंग में दो ऑप्शन है आप लोग के पास, मैं कुछ टिक बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। 1 आवर टाइम फ्रेम ले लेना, उसके बाद आपको करना क्या है राइट। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको जितना ले रहा है आप प्रॉफिट, उसका स्टॉप लॉस भी उतना चाहिए आपको। ये ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और कुछ ETF भी बताएंगे, बैंक निफ्टी का ETF में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी है ये सब ETF बता रहा हूँ, इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता और मतलब शिफ्ट भी कर सकता है। वो इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है मैं बताएंगे, पहला तो स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। जो बिगिनर लेवल में आपको मालूम है, जो आप फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको CEP खरीदने में प्रॉब्लम होता है, तो वैसे फंड नहीं है, शायद नया बिगिनर है, तो आप क्या हिस्सा क्या कर सकते हैं। आपको ट्रेड ही करना है तो निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करना है, तो निफ्टी 20 में भी ट्रेड कर सकते राइट। तो हम निफ्टी 20 का बात कर रहा हूँ, चलो कैसे ट्रेड करा जाता है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम आया तो आने के बाद उसको क्या करना है आपको, आपको पहले तो देखना है कहाँ कहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, यही दो चीज़ आप ध्यान रखना। और कुछ ट्रेन लाइन वगैरह कुछ जितना भी प्राइस एक्शन में है तो कर सकता है। चलिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे, उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे मैं। इसका यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा मैं, तो यहाँ पे आएंगे कुछ लेवल ड्रॉ करेंगे। सपोज इसका ये देखो एक यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक देखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देख लिया, अभी ये भी एक जहाँ हाई रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड बस इतना है, ये है ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ना यहाँ से भाग जाएंगे। इतना लेवल ड्रॉ कर लिया, एक बार छोटा करके देख लेना क्या किया मैंने राइट। अभी क्या किया देखो, मैंने आप लोग को समझाएंगे अभी क्या किया हम लोग राइट यहाँ पे। अभी हम लोग किया क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग को यहाँ से एक पीछे का डिमांड एंड सप्लाई लेना है, इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बोलता है। जो नीचे होता है उसको सपोर्ट बोलता है, ऊपर ऊपर हो तो रेजिस्टेंस बोलता है। तो इस तरह से हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ बार बार यहाँ से यहाँ देखो, बार बार यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो हम लोग ना ये रिट्रेसमेंट को देख के सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम निफ्टी 20 में है, मैं हम सेल नहीं कर सकते इसमें स्टॉक का, पुट बाय कर सकते सेल करते, तो हम लोग सेलिंग नहीं ढूंढेंगे, हम लोग सेलिंग जो कर रहा हूँ उसको हम लोग ले ही लेंगे, हम लोग ओनली बाइंग करेंगे राइट। इस केस में देखो, इस केस में ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ एक बाइंग होता, फिर सपोर्ट लेके इस प्राइस का हाई मतलब ब्रेकआउट होना चाहिए, बाई होना, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसका नीचे होना चाहिए, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हाई प्राइस, मतलब जहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा राइट। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसमें ना एक बाई होता है राइट। अगर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे तो एक
ब्रेकआउट लेवल है, कहना ये एंट्री बनता है, मगर इससे नीचे दे रहा है। तो अगर इस केस में अगर आप बाइक कर रहे हैं तो आपका स्टेबलस कहाँ रहेगा? फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग लो, यहाँ पे आपका स्टेबलस बैठना चाहिए। ठीक है ठीक है, तो ये आएगा तो आपको स्टेबलस दे के आप निकल जाना, क्योंकि है इंडेक्स है, ये कितना भी गिर सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, तो आप ध्यान देना। इंडेक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो उसको बाद क्या है ना, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जिस तरह से बना रहा है, इस तरह से देख के आपको नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए। अभी देखो ये आ रहा, इसको ब्रेक किया जरूर नीचे आया, अगर इसको ऊपर साइड को, मार्केट का ना ट्रेंड आपको समझना चाहिए, इसीलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो कहीं ना कहीं ये डाउन साइड है। तो इस तरह से नहीं, जब से इस तरह से ट्रेड बनेगा तब ट्रेड करना है, ये एक डाउन ट्रेंड का अंदर कन्वर्ट है। जब तक ये अप साइड का ना जाए, इस तरह से प्राइस ना बनाए, तब तक आप यहाँ पे एंट्री ना ले। ठीक है, ये तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे ले जाता है आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारे चीज़ रहता है इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप अच्छा खासा क्वांटिटी 2 लाख का क्वांटिटी उठाया ना, वो भी आपसे 2000 रुपये आराम से हाँ मिल जाता था इंट्राडे के अंदर ही, ये अच्छा खासा बड़ा मोमेंट दे दिया था मालूम है। तो लॉस भी उतना ही होता यहाँ पे अगर आप एंट्री लिया तो, मतलब इतना एंट्री नहीं मिलता क्योंकि ये शार्प एंट्री हुआ, यहाँ कहाँ एंट्री मिलेगा, इतना जल्दी नहीं होता एंट्री, प्राइस मोमेंट नहीं किया। इस केस में देखो प्राइस इसका लेवल का ऊपर है, ये एक हाई हाई बना, फिर ब्रेक है, फिर यहाँ से एक एंट्री बनता, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ नहीं रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं फास्ट स्विंग सेकंड स्विंग लो रहेगा। ठीक है, तो फास्ट स्विंग सेकंड स्विंग लो कैसा होता ये सब कोर्स का अंदर रहता, आप लोगों को कैसे समझाओ, अभी फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। फास्ट स्विंग स्विंग लो कैसे रहता, सपोज आपको ये देखो आपने क्या किया, सपोज आपने यहाँ से एंट्री लिया राइट, तो आपका फर्स्ट यहाँ का नहीं बताएंगे, जिस तरह से सपोज यहाँ से आपने यहाँ से एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसमें रहेगा, कभी नहीं रखना इसमें। फास्ट यहाँ पे चेक एंड, मतलब फास्ट का बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस चाहिए, कहीं कहीं आके क्या करेगा आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, फिर फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड का बाद रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड यहाँ पे आ रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ बैठाना चाहिए। अगर आप एंट्री यहाँ से ले रहा है तो आप कभी भी स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बैठाना, आपको उसका नीचे का यहाँ स्टॉप लॉस बैठाना। इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस इस तरह से बैठा जाता है। अगर आप यहाँ से एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बैठना चाहिए, इसके नीचे बैठना चाहिए। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस हिस्सा होता है, वो पता नहीं ऐसे कितना बंदा है मगर पता नहीं यहाँ पे ही रखेगा वो स्टॉप लॉस, क्योंकि फास्ट स्विंग लोग का नीचे नहीं रखना, कभी भी स्टॉप लॉस को खा जाएगा, तो इसीलिए फिर घूम फिर के ऊपर ही जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, तो फिर आपको ये स्टॉप लॉस कभी हटाना नहीं, बस वो आ गया तो आप निकल जाओ उसको देख के। ठीक है, तो फास्ट स्विंग लो में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगना स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे का बाद मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। तो ये बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के आप ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, एक इंडेक्स है, कभी भी कुछ हो सकता है, आप शिप नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको शिपमेंट जैसे शिप करके आप शेयर खरीदता है, जैसा ETF में पैसे लगाता है, ठीक है, मंथली शिप, तो उस तरह से आप ले सकते मंथली, तो किस तरह से आप करता है वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, सिर्फ लिए तो ऊपर नीचे आप ऊपर से भी खरीदता है नीचे से भी खरीदता है, वो एक प्राइस अलग तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो डियर माय फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में कैसा ETF में कैसे ट्रेड करा जाता है आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ETF क्या होता है, देखो यहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ETF पर हम यहाँ पे आएंगे, ये जो बैंक 20 है, अगर निफ्टी बैंक है तो उसका 20 है, अगर हमें इसको ले लेंगे, सपोज इसको ले लिया, अगर हमने यहाँ से बाय करा, अगर दो चार्ट एक जगह करना था, इसको ना छोटा करेंगे, छोटा कहाँ से करेंगे, ये के ले लेंगे, ये देखो बैंक, यह बैंक 20 है राइट, इसका ग्राफिक देखो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है राइट। अगर आप बैंक का जाएंगे इंडेक्स का हुआ तो ये बैंक निफ्टी है राइट, तो उसका नीचे ग्राफिक इसका भी देखो नीचे सेम ही है, उसका ग्राफिक ये क्या है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इंडेक्स, तो बात इतना ही है। और फिर यहाँ पे बैंक बीच भी, यहाँ जो भी बैंक बीच में खाली वन है, ये दोनों का अंदर कौन सा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ऐसा खासा लिक्विडिटी है। अगर आप निफ्टी 50 भी है, बैंक निफ्टी भी है, तो वो सेम तरीके से बिहेव करता है, इससे अच्छा है बैंक निफ्टी में करना, जो प्रॉफिट थोड़ा अच्छा मिलेगा, लॉस भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करें, वो भी निफ्टी 20 में,
जैसा यहाँ पे देख लो, लिख लो आप, ठीक है। नया बंदा है तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये निफ्टी 20 में भी कर सकते हैं, अब बैंक 20 में करना है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के करना है, स्टॉप लॉस फास्ट स्विंग लो इसके लगाना नीचे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करना है, ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग कैसे करा जाता है। उसके बाद हमने और कुछ दे देंगे आपको डायरेक्शन, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आप कुछ कंपनी में, जैसे हम इंडिया में तो म्यूचुअल फंड में अगर यूज़ करें तो यहाँ पे आपको शिप दरा यूज़ कर सकते हैं, मंथली मंथली शिपमेंट दरा यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जाएगा, हर प्राइस नीचे आएगा तो आप खरीद सकते हैं, ऊपर गए भी खरीद सकते, तो एस्टेब्लिश प्राइस हो जाएगा आपको, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा लाइफ लॉन्ग टाइम में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी 20 सब चुनेगा, बैंक को नहीं चूज ना कर रहे, क्योंकि इसका अंदर ही सब कुछ रहता है, निफ्टी 50 है स्टॉक, इसका अंदर ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद आप सेंसेक्स में ले लेना, ये भी चलता है आपको, इसमें 30 कंपनी आता है सेंसेक्स में, मतलब सेंसेक्स 20, ठीक है। उसके बाद BSE फंड में भी रख सकता है, ठीक है, वो भी सेम ही है, BSE सेंसेक्स का ही आता। फिर MCX में थोड़ा बहुत रख सकता है, फिर गोल्ड में कुछ रख सकता है। फिर आपको ये तो इंडियन एक्सचेंज होगा, इंडियन का होगा, राइट। और फिर को इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इंडिया, सपोज इस स्टॉक में आपको कितना रखना, जो भी है आपको रखना है, सपोज इसमें आपको 80% रखना है, और जो MAF क्या है, MAFNG जो है और मोनो 100, ठीक है। तो ये दोनों का अंदर अंतर क्या है, देखो ये जो है MAFNG जो है, ये क्या है, ये एक म्यूचुअल फंड है, ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, ये है मीरा एसिट, मतलब मीरा म्यूचुअल फंड MAFNG जो मीरा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ज़्यादा से 1 साल होगा शायद मेरे ख्याल से। तो ये एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट, ये US मार्केट में रिप्रेजेंट करता, मतलब US मार्केट में ये इन्वेस्ट करता है। इसका क्या है, देखो स्टॉक का इसमें ना, इसमें कितना स्टॉक है, राइट, 100 स्टॉक, द इसमें 10 स्टॉक्स ओनली, 10 स्टॉक आएगा इसके अंदर, 10 स्टॉक आएगा इसके अंदर। कौन सा स्टॉक आता है, राइट, स्टॉक पहला तो आता है अलीबाबा, जिस चाइना अलीबाबा का कंपनी आएगा, उसको बाद उस फेसबुक आएगा, मेटा, मेटा वर्जन जो नया नाम चेंज कर दिया, मेटा, पहले तो फेसबुक था, अभी उसके अंदर मेटा ऐड कर दिया उन लोगों, मेटा, तो फेसबुक ही समझ लो। उसको बाद अल्फाबेट, मतलब ये गूगल का है, उसको बाद एप्पल, उसको बाद की बेडू, बेडू कौन सा है पता नहीं, ये NVIDIA, मतलब वो जो हार्ड डिस्क ग्राफिक कार्ड बनाता है, जो बहुत इसका रेट सबसे ज़्यादा रहता है ग्राफिक कार्ड का, तो ये उसके बाद अमेज़न है, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, टेस्ला, ठीक है। तो ये 10 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इसमें अगर 80% करेगा तो इसमें 10% में इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसको बाद इसमें 10% इन्वेस्ट करेंगे जो म्यूचुअल फंड होता है, तो डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाएंगे। उसको बाद आएगा मोनो, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट से आपको मैक्सिमम 70% तो होना चाहिए, और जो 30% 20% वो इसमें करना है, MAFNG मतलब मीरा म्यूचुअल फंड में करना है, इसमें लगभग 15% करना है। अगर 30% दे रहा है तो इसमें 15%, और फिर इसमें भी मतलब इसका अंदर भी वही स्टॉक है, थोड़ा इसमें है 100 स्टॉक है, और इसमें है 10 स्टॉक, और इसमें 100 स्टॉक, ये है MON, मौन, मौन होता है यहाँ पे, मौन जो है ये है कौन सा, मोतीलाल, शायद मोतीलाल, हाँ मोतीलाल एसिड म्यूचुअल फंड है ये, ठीक है। जब आप सर्च करेगा BSE फंड में, सर्च करने का पहला इंजन में दिखा देगा, तो मोतीलाल जो भी है, मोतीलाल म्यूचुअल फंड बोलता है इसको, तो मोतीलाल तरफ से अगर ये कौन सा US में, चाइना में 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, तो स्टॉक में नाम बता रहा हूँ, कुछ स्टॉक 100 स्टॉक नहीं बोलूँगा, जो जो मैंने मेन है, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल US का आता टेस्ला मोटर्स, फिर उसके बाद था NVIDIA, ठीक है, वही बोला जो ग्राफिक कार्ड बनाता, उसको बाद उसको बाद एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, अल्फाबेट,
वही गूगल का अल्फाबेट, उसको बेडू, बेडू चाइना के सर्जिन जो होगा शायद, बेडू बेडू बाइडू, बाइडू होगा सॉरी बाइडू, इसमें से चाइना का सर्च इंजन जैसे गूगल का रहता है अल्फाबेट का, तो सर्च इंजन है चाइना का बाइडू, तो इसमें चाइना का ध्यान दे गया है। उसके बाद फेसबुक आता जो मेटा, उसके बाद अलीबाबा होल्डिंग, एडीएक्स, एडीआर, ट्विटर, ठीक है, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये 100 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ये, प्लस यूएस मार्केट प्लस चाइना का मार्केट दोनों कंट्री का यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ये में MON, मोनो मन मन 100, ठीक है, मन 100 म्यूचुअल फंड मोतीलाल, और उसमें आएगा इसका आएगा कौन सा, मीरा म्यूचुअल फंड जो ऊपर का आएगा, मफेंग्स माफिंग जो भी है, तो ये दोनों में आपको 15-15% इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी है इंडियन स्टॉक्स में आपको यह पे शिफ्ट मतलब इन्वेस्ट भी कर सकता है, प्लस आप मंथली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मंथली भी माल खरीद सकते हैं। जैसे मंथली में 1000 है, अगर इसका मैं बैंक निफ्टी का कितना, बैंक निफ्टी 20, इसका अगर 177 सपोज 200 रुपये पकड़ लो इसका, और इसका बैंक 20 का नहीं लेना है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, इसको ले लेना एक, फिर इसका सेंसेक्स नहीं तो BSE MCX यहाँ पे ये दोनों नहीं लिए तो भी चलेगा, क्योंकि आप सेंसेक्स ले रहे हैं ऑलरेडी ना, फिर भी आप BSE ये थोड़ा रिक्सी हो जाएगा, फिर भी आपको मतलब ये जो है ये MCX थोड़ा चलेगा, थोड़ा बहुत ले लेना। फिर इसमें इसमें आप मैक्सिमम में ऐसे 2000 का प्रॉफिट जो ये 700 रुपया और प्राइस ये 1200 रुपया आ रहा है, इसमें ही तो ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो अगर ये 3000 का मतलब मंथली में आप मैक्सिमम बनाना चाहिए पोजीशन, ठीक है, मंथली में 3000 का आपको कैसे भी पोजीशन बनाना है, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। और जो भी आप 3000 पे कर रहा है इसके अंदर 70% इंडियन स्टॉक होना चाहिए, जो भी आप फंड देख रहे हैं राइट, निफ्टी बैंक जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका अंदर खाली बस ये जो दो है इसमें आपको 20-30% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री, ये दोनों में ना आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें बाहर में इन्वेस्ट हो रहा है तो इसमें टैक्स भी ज़्यादा लगता है, हर चीज़ ज़्यादा लगता है, तो और इतना सोच आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। और इसका ज़्यादा नहीं, इसका अगर कितना प्राइस है, इसका 98 राइट, और इसका प्राइस कितना, इसका 41 रुपीज़, तो डबल ले सकते, हिसाब करके लेना है आपको, ठीक है। ये गोल्ड है, गोल्ड में भी लेना है थोड़ा आपको, हर चीज़ मतलब इधर उधर करना है जिसमें आपको रिस्क एंड मतलब लॉस ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप इंडेक्स में मतलब ये शिफ्ट से मंथली मंथली लेना है, एक बार में लेना नहीं जो पूरा, तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा करना है मंथली मंथली में आपको लेना है, कौन सा प्राइस आपको देखना है मंथली में, जो भी प्राइस मिल रहा है उसको लेना है, और ज़्यादा नीचे मिलेगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे आएगा ऑटोमेटिक जो प्राइस है आपको बराबर मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो आप शिफ्ट कर रहा है राइट, जैसा अभी डैशबोर्ड यहाँ पे तो फंड नहीं रखा मैंने, यहाँ पे अगर शिफ्ट चले जाएगा तो इसमें आपको पोजीशन बना लेना है, जैसा इसमें इस इसमें चले जाना, जैसा BAN बैंक, BEE, ठीक है, क्रिएट, यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा लगता है, न्यू क्रिएट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना पैसा NIFT निफ्टी 20, निफ्टी 20 बैंक 20, यहाँ पे निफ्टी 20, ठीक है, ऐसा ऐड कर लेना पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से और एक ऐड करना, जैसा MON जो अभी इसका बात किया, MON 100, ये है देखो, ये BSE से ले सकता है, NSE में BSE प्रेफर करूँगा, जो मेरा मर्जी, दोनों ही एक्सचेंज में कौन सा आपको अच्छा लगे ले लो, मैं BSE लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको मतलब ये ऐड कर लेना, इस तरह से लेने के बाद प्लेस द यहाँ पे येस कर सकता है आप, ठीक है,
तो इस तरह से फिर मंथली भी सेटअप कर सकता है, नहीं मैनुअली भी कर सकता है आप, ऐड करके रख देना इसमें। मंथली भी शिफ्ट होता है इसमें, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर पैसा आपको 3,000 रख दिया, तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक मंथली में अगर बैंक से भी लेके ऐड कर देगा, ऐड करके फिर ऑटोमेटिक खरीद लेगा, सब ऑटोमेटिक करके रखे तो फंड भी ऑटोमेटिक करके रखना आप, तो हो जाएगा। नहीं तो मैनुअली भी ऐड कर सकता है, कोई से बात आपका मैटर है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टाइम में आप कमा सकता है, ठीक है। इसमें ट्रेड करता नहीं हूँ ज़्यादा, कुछ फंड पड़ा है बस, वो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, और कुछ यहाँ फाड़नी नहीं है। तो मैं ये यहाँ पे क्या बताऊँ, ब्रोकर एक नहीं है मेरे पास, बहुत सारे है। तो इस तरह से आप ना स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और हाँ, आपको यहाँ पे जो ये दोनों, ये MON 100M, और उसके बाद आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा तरह से आपको पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज में आप घुस सकते हैं उसके लिए। इसमें ना जो NSE है आपको सिक्योरिटी देता है, ऐसा से यहाँ पे NSDL जो भी है आप BSE, तो आपको एक्सचेंज अच्छा खासा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो फेसबुक में, अल्फा में और अलीबाबा में, जितना भी स्टॉक में मतलब एक इसमें म्यूचुअल फंड में स्टॉक इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप आपको एक सिक्योरली मिल जाएगा, पैसा आप किधर उधर नहीं जाएगा, तो इतना आपको गारंटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना बताएंगे, रुको तो, तो आपको क्या करना राइट है, आपको एक चीज़ में दिखाएंगे अभी, यहाँ पे जाएंगे। देखिए आपको US मार्केट में आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं पैसा, मगर मैं प्रेफर करूँगा आप म्यूचुअल फंड थ्रू US मार्केट में इन्वेस्ट करें, सबसे अच्छा रहेगा। मोतीलाल नहीं तो दोनों के अंदर कौन सा भी ले ले, 10 स्टॉक में चाहेंगे मोतीलाल ही ले ले, और वो भी ले लेगा। मोतीलाल में चाइना भी इन्वेस्ट होता है, प्लस US मार्केट दोनों कंट्री में होता है, तो मोतीलाल दोनों में ले लो, वो 10 स्टॉक है, रिप्रेजेंट करता है राइट। अभी अगर मैं जाएंगे यहाँ पे, मैंने आप लोग को प्रिफर नहीं कर रहा हूँ जो ऐप्स में आप आओ यहाँ पे ट्रेड करो, capital.com हो सकता है आपको भी मालूम है, मगर इस तरह से आप ना capital.com में ट्रेड, मैं इसको यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। तो डियर माय फ्रेंड्स, तो आप लोग को अगर लगता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, तो फॉरेक्स मार्केट में, तो फॉरेक्स मतलब ये है इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप लोग को कोई भी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकता है, जो बहुत सारे कंट्री है यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाइना लेके, जापान लेके, कोरिया लेके, कौन सा कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे आपके सपोज हम लोग ना कुछ कंट्री वाइज, जैसे गूगल मीट, यहाँ पे हमारा टाटा मोटर्स लिमिटेड नहीं होता है, मैं उसको काट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सिल्वर, जैसे हमने कुछ यहाँ पे फेवरेट नहीं किया, पर टेम्परली अभी हम ना इंडियन स्टॉक मार्केट, सपोज हमने कौन सा माइक्रोसॉफ्ट तो देख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फेवरेट देंगे, पोजिशनल फेवरेट में जाएंगे, फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, और कौन सा कंपनी आपको पसंद है जो भी है, जैसा कोको कोला में, कोको ये है कोको कोला राइट, इसका चार्ट ले लेंगे, और चार्ट से आ जाएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोको कोला है, इसलिए 15 मिनट का कैंडल देखेंगे क्या है राइट। ये है कोको कोला, ठीक है। फिर आप कौन सा लेना चाहते, जैसा NIFT, निफ्टी, निफ्टी नहीं देंगे, हाँ NIFT, NIFTY 50 राइट, ये है हमारा इंडियन एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं होगा, तो इस तरह से आप जब नया है तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी है। तो इस स्टॉक में आप पेपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, NIFTY 50 ETF और डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको ETF में आएगा, ठीक है। तो इंडियन एक्सचेंज है ये, मतलब हमारा कंट्री में, और जो भी US में जाएगा तो US का NSDL, तो
तो सर एक का ही कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्री है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप इक्विटी मतलब कैश में भी आप यहाँ पे तो मैंने नहीं ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इक्विटी देखो, यहाँ पे है ये फंड है और इक्विटी है, यहाँ बैलेंस वो सब नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ना फ्यूचर भी चलेगा और यहाँ पे रिस्क भी है, तो आप ध्यान रखना। तो किसने ट्रेड कर रहा है आपको, आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये यूएस का है, ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो है शायद यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो, ठीक है। तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक ही जगह पूरा मैनेज हो जाता है, ठीक है। फ्यूचर मतलब यहाँ पे एक जगह में हर चीज़ मैनेज अवेलेबल है। तो एक्सचेंज बहुत अच्छा है, फिर भी मैंने इसे नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ट्रेड ना करें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है capital.com, ठीक है। यार वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा तो यूएस मार्केट, जापान मार्केट, चाइना मार्केट, कौन सा भी मार्केट आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। ठीक है, ऐसा जो आपको अच्छा लगता है, यूएस कौन सा मार्केट में आप चार्ट करेंगे, इंडिया का यहाँ पे आप इसमें बाय कर सकता है, इसमें चार्ट देख सकता है, ठीक है। कौन सा भी आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और टेक केयर, बाय बाय।